जय माता जी भाई। ये हमारे इधर पोपट भाई करके है, रावल गांव में ये घोड़ा रखते हैं, वारी घोड़ा रखते हैं सब, और सब मिला के 17-18 है, 5-6 घोड़ा है और छोटी मोटी घोड़ी है 6-7। ये घोड़ा है हाथी घोड़ा का बच्चे का बसा है, ये 2 दांत का है और अभी लाया है पोपट भाई, वारी घोड़ा है और 62+ है, यानी कि 62 से ऊपर है और बहुत बढ़िया है। और जो ये पंजाब में हाथी घोड़ा है सिंतेर है, उसका बेटा का ये बेटा है और बहुत बढ़िया है, और ये पूरा नुकराई है, सफ़ेद है, और ये लाइन का ही घोड़ा है। ये कन्हैया है इसका नाम, और ये तूफान लाइन का है और पंच कल्याणा है, देवमणि भी है और बहुत बढ़िया है। ऐसा घोड़ा मैं किसी के पास देखा नहीं है, और ये 62 के आसपास है और उसका जो बच्चा आता है वो 63-64 के आसपास ही आता है। बहुत तगड़ा है और देखने में लिए भी खूबसूरत है, और बहुत लंबा तो नहीं है पर उसका देखने के लिए, और उसका शरीर बहुत बढ़िया है। ऐसा घोड़ा मैं नहीं देखा, कन्हैया जैसा घोड़ा तो मैं भी बहुत देखा है, घोड़ी भी देखी है, लेकिन ऐसा शरीर और ऐसा वट और ऐसा रूप और उसका कान, आप अभी तो ये वीडियो में कम दिखाई देता है लेकिन बहुत खूबसूरत है। और ये घोड़ा भी बताता है, वारी रखा है घोड़ियों के लिए। और ये हमारा इधर रावल गांव है, देवभूमि द्वारका जिला है, वहाँ है उसका ये तालुका, इधर है देवभूमि द्वारका में, और बहुत बढ़िया है घोड़ा, और उसका जो बच्चा आता है वो खूबसूरत आता है और बहुत बढ़िया रिजल्ट भी आया है। और ऐसा हमारे सौराष्ट्र में किसी के पास ऐसा घोड़ा नहीं है, वो पोपट भाई के पास भी बहुत घोड़ा है, ऐसा घोड़ा नहीं है। ये कुमेद कलर जैसा है, ब्लैक, पर बहुत बढ़िया है और देखने में भी खूबसूरत है, और बच्चा भी बहुत खूबसूरत देते हैं, 63 और 64 के आसपास 63-64 का बच्चा देता है ये। ये तूफान लाइन का है, यानी कि तूफान लाइन का है, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा नहीं हुआ है कि जब छोटा था तब बहुत नहीं खाना खिलाया होगा, इसलिए वो तो छोटा है, उसका बसा बहुत बढ़िया आता है। और ये घोड़ा का नाम देव है, और उदयपुर लाइन का है और पूरा ब्लैक है, और ये 63 के आसपास है, और बच्चा भी बढ़िया देते हैं और खूबसूरत भी है और पूरा ब्लैक है। ये भी वारी घोड़ा ही है, घोड़ियों के लिए ही रखा है। आपको ये घोड़ी बताना है तो ये घोड़ा लेके आपके वहाँ आ सकता है, उसकी गाड़ी लेके, वो भी सर्विस देता है, गाड़ी लेके ये बोलेरो में लोड करके घोड़ा को वहाँ भी आता है। ऐसा नहीं है कि आप घोड़ी लेके इधर ही आएगा, और इसमें
आगे एक पट्टा भी है और पूरा ब्लैक है, देवमणि भी है और खूबसूरत है। ये भी पंच कल्याणी है, मारवाड़ी है, ये पंच कल्याण भी है, देवमणि भी है, बेड़ासड़ भी है इसमें, और ये 160 के आसपास है। ये भी प्योर मारवाड़ी है और बहुत शादी में जाती है और नाचती भी है। ये शादी में जाने के लिए ही रखा है और बहुत खूबसूरत है, देखने के भी लायक है। ये भी है तो घोड़ी पण खूबसूरत नहीं है, खबर भी है। ये एक संजाब है, ये भी घोड़ी है। ये भी घोड़ी है, ये भी घोड़ी है, ये भी घोड़ी है। हमारे इधर इसको कारी बावरी बोलते हैं। ये भी घोड़ी है, यही है पंच कल्याणी। अभी घुमाते थे वो पोपट भाई था, घुमाते थे, देवमणि है, पंच कल्याणी है, बेड़ासड़ भी इसमें ही है, यही घोड़ी है। ये बताते हैं ये इसमें बेड़ासड़ यही है, ये देवमणि है और उसका पैर, चारों पैर पूरा ही है पंच कल्याणी। उसमें पंच कल्याणी होती है, किसी में एक पैर कम होता है, इसमें ये चारों पैर पूरा ही इतना है, एक एक फुट के आसपास सफेद। अभी तो थोड़ा ये दिखाई नहीं ज़्यादा देता, मेहंदी लगाए हुआ है नाचने के लिए जाती है शादी में, तो पूरा सफेदी है, चारों पग एक एक फुट के आसपास, पीछे वाला थोड़ा ज़्यादा है, आगे वाला थोड़ा, दोनों पैर कम है। यही एक घोड़ी में सब कम मिलता है, पंच कल्याणी, देवमणि और बेड़ासड़ कम ही घोड़ी में मिलता है। ये कोई किस्मत वाला होता है वो ही रखता है।
ये घोड़ी नाच रही है अभी, हम वहाँ गया तो ये भी शादी में जाती है और बहुत डांस करती है, अभी हम वहाँ गया तो भी ये नाचने लगी, उसको बोला कि आप नाचिए तो वहाँ खिले पे बांधी हुई तो भी नाच रही है और खबर भी है 5-6 महीना की और नाच भी रही है। आप भी देखिए, वहाँ कोई नहीं था इसलिए हमने छोड़ा तो नहीं, लेकिन नाचवाने वाला होता तो बहुत खूबसूरत नाचती है ये, बहुत बढ़िया घोड़ी है और बाहेंट के आसपास है और इसका बच्चा भी पास में है, मैं अभी बताता हूँ उसका बच्चा भी, ये थोड़ी डांस कर लेगी तो आप देखिए, मैं भी देख रहा था। ये इसका बच्चा है, 10 महीना का है और उसका पिता का नाम अर्जुन था और इसका नाम भी अर्जुन है और ये 10 महीना के आसपास का है, ये 60 के ऊपर ही है, 61 के आसपास, बहुत तगड़ा घोड़ा होगा ये, खूबसूरत भी होगा, उसका पिताजी भी बहुत बढ़िया था और इसका नाम भी अर्जुन था और इसका बच्चा का नाम भी अर्जुन है और ये नुकरा प्योर मारवाड़ी है और जो नाचने वाली थी उसकी माँ है, ये इसका ही बच्चा है, माँ से 10 महीना के आसपास का बच्चा, माँ से ही थोड़ा ऊपर निकल गया है, उसकी माँ भी 5 महीना अभी खबर है और उसकी माँ से ये बड़ा हो गया है, 10 महीना के आसपास है और खूबसूरत है और बहुत बढ़िया और बहुत तगड़ा घोड़ा होगा ये, पंजाब में कोई हाथी घोड़ा है उसको जो पूरा खिलाएगा तो यह हाथी के आसपास जाएगा, यह हाथी सिंतेर का है लेकिन ये इसको जो पूरा खिलाएगा तो ये 72 होगा, इतना खूबसूरत है और उसका पिता भी 60 के आसपास था, उसको ये पोपट भाई तो घोड़ा, इसका पिता का नाम तो बाडा ही बोल रहा था, उसका एक आँख टूट गया था इसीलिए बाडा ही बोल रहा था लेकिन उसका नाम अर्जुन था, हमारे एरिया में तो उसको सब बांडा ही बोलता था लेकिन उसका नाम तो अर्जुन था, पर एक आँख टूट गई थी इसलिए उसको ये ऐसा ही बांडा ही बोल रहा था सब, लेकिन वो भी खूबसूरत था और बहुत शांत था। ये 303 है, रजिस्टर्ड नंबर है उसका 303, ये मारवाड़ी नस्ल का है और आलिशान लाइन का है, ये भी ब्लैक है और खूबसूरत भी है और उसका बच्चा भी बहुत आता है खूबसूरत, ये कन्हैया के सामने ही बांधा हुआ है लेकिन ये कोई बड़ा फार्म बनाया हुआ नहीं है इसीलिए कोई ज़्यादा नहीं देखता, लेकिन जो बड़े बड़े फार्म में होता तो ये कोई घोड़ा 20 लाख 15 लाख 30 लाख से कम है ही नहीं, लेकिन ऐसा बड़ा फार्म बनाया नहीं पोपट भाई ने और इसीलिए ऐसा बांधा हुआ है, लेकिन कोई बड़े लोग बड़ा बड़ा फार्म बनाते हैं उसमें कोई लोग देखते हैं तो करोड़ का लाया और 2 करोड़ का लाया ऐसा बोलते हैं, कोई 1.5 करोड़ का लाया ऐसा ही बोल देते चलते हैं, लेकिन ये झूठ नहीं बोलता, जो बोलता है सच्ची बोलता है, इसलिए ये पूरा ब्लैक है और बच्चा भी इसने दिया हुआ है इधर, खूबसूरत देते हैं और बहुत चलते हैं इधर हमारे, 303 नंबर है उसका, रजिस्टर नंबर है, नाम का इसका नाम है सारंग।